सो हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का फोर नंबर हिसाब बनाने जा रहे हैं। तो फोर नंबर हमने बना के यहाँ पे बोर्ड पे रख दिया है और उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता। माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए है, बी बराबर 3 मान लेना, जो यहाँ पर रहेगा उसी को बी मान लेना। इसलिए धनात्मक पूर्णांक के लिए r का संभावित मान 0, 1, 2, 3 ले लेना है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ही होता है धनात्मक पूर्णांक, डोटो इत्यादि। तक अब बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके तब ये निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बराबर BQ+R, ए का ए रह जाएगा, उसके बाद बी की जगह 3 आ जाएगा, 3Q+R की जगह पहले 0 रखेंगे, ए बराबर 3Q हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो A² = 3Q² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ A² = 9Q² हो जाएगा, A² = 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3Q² बच जाएगा। A² = इसको मान लेंगे m, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा, इतना माना। उसके बाद पुनः चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, A = BQ+R, A = 3Q+1 हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसमें भी कॉमन लेके यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।